मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज हम आपको ब्रूटलिस्ट वास्तुकला के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर 1950 के दशक से 1980 के दशक के बीच की अवधि में विकसित नई वास्तुकला है। असल में यह एक ऐसी विचारधारा से उत्पन्न हुई जिसमें इमारतों में से अनावश्यक बारीक नक्काशी, सजावटी डिजाइन, थोपी गई सी भारी भरकम सज्जा, इमारत के मूल ढांचे को ढकने के लिए आवरण सामग्री के इस्तेमाल और फिनिशिंग देने के लिए कृत्रिम निर्माण वगैरह से परहेज किया गया। ब्रिटिश वास्तुकला में ऐसे निर्माण करने पर बल दिया गया जो मजबूत, साधारण और सजावट रहित हो। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सामान्य रूप से वास्तुकला में ब्रूटिज्म को आधुनिक वास्तुकला की विशेष शाखा माना जाता है। ब्रूटिज्म शब्द का असल में डरावनी वास्तुकला से बिल्कुल भी संबंध नहीं है, बल्कि यह निर्माण कार्यों के लिए उपयोग में होने वाली सामग्री का आभास कराने वाला शब्द है, जिसमें साधारण और रीइन्फोर्स्ड यानी कंक्रीट का इस्तेमाल सबसे प्रमुख था। ब्रूटलिज्म के नामकरण के ज्ञात स्रोतों को देखने से और इसकी व्याख्या करने पर पता चलता है कि यह ब्रूट शब्द से तो बना है, और शब्दकोश में इसके अर्थ देखने पर हम पाएंगे कि इसका मतलब वैसी हिंसक, भयावह, कठोर, हृदयहीन, निर्दयी, राक्षसी और विभत्स जैसे शब्द मिलते हैं, और थोड़ी कोमलता का भाव रखने पर भी इसका मतलब स्पष्ट और छिपी हुई अप्रसन्नता ही होगा। सकारात्मक प्रयोग में भी इसे निर्मम ईमानदारी यानी कि ब्रूटल अर्नेस्ट कहा जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि शब्दकोश और नामकरण के अन्य स्रोतों में इस्तेमाल किए गए इन सभी समानार्थक शब्दों का संबंध ब्रूटल आर्किटेक्चर से जुड़ा मिलता है, और सही शब्द का चयन समीक्षक और उपयोगकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है। आसान तरीके से समझना चाहें, ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर यानी कि 1950 के दशक से 1980 के दशक के बीच की अवधि में विकसित नई वास्तुकला की पहचान कुछ विशेष मानदंडों के आधार पर की जा सकती है। यह ब्रूटलिस्ट वास्तुकला असल में इसकी स्वयं की परिभाषा के अनुसार ऐसी विचारधारा से उत्पन्न हुई जिसमें इमारतों में से अनावश्यक बारीक नक्काशी, सजावटी डिजाइन, थोपी गई सी भारी भरकम सज्जा, इमारत के मूल ढांचे को ढकने के लिए आवरण सामग्री के इस्तेमाल और फिनिश देने के लिए कृत्रिम निर्माण वगैरह को हटाने का सिलसिला चल निकला। 1950 के आसपास शुरू हुए इस साहसिक अभियान में ऐसे निर्माण करने पर बल दिया गया जो मजबूत, साधारण, सजावट रहित और आकार प्रकार से विशाल हो। ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर का चलन सबसे पहले ब्रिटेन में दिखाई देता है, जब विश्व युद्ध के बाद के दौर में पुनर्निर्माण अभियान चलाया जा रहा था। इन विशालकाय इमारतों में निर्माण कार्य कम से कम लेकिन आकार में अत्यंत विकराल था, जिसमें भवन निर्माण सामग्री को दर्शाने और सजावटी डिजाइन से मूल ढांचे को ढांपने का चलन रोकने पर जोर दिया गया था। वास्तुकला मात्र ऐसा व्यवसाय नहीं है जो बिना सोचे समझे समाज और अर्थव्यवस्था की जरूरतें पूरी करता चला जाए। इससे रोजगार और काम धंधा भी मिलता है, और तभी यह व्यावसायिक सीमाओं को पार कर लेता है तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ उसकी रुचियों का भी पूरा पूरा ध्यान रखता है। ब्रूटलिस्ट आंदोलन की अगुवाई करने वाले वास्तु विशेषज्ञ चाहते थे कि वास्तुकला में कोई अनावश्यक सज्जा नहीं होनी चाहिए, और यह विश्व के समक्ष अपने मूल रूप में दिखनी और दिखाई जानी चाहिए। वे चाहते थे कि उनकी इमारतें उस समय के सामाजिक अस्थिरता के दौर में भी मजबूती और भरोसे की प्रतीक दिखनी चाहिए, और इमारतों से ऐसा विश्वास मिलना चाहिए कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उठापटक के उस तूफानी दौर में प्रकाश स्तंभ की तरह सकारात्मक सोच को बल प्रदान करे। विश्व युद्ध में नगर ध्वस्त हो चुके थे, जिससे प्राचीन वास्तुशिल्प को भारी क्षति पहुंची थी। ऐसे में नई अवधारणा के बारे में सोचना शुरू किया गया और नए तौर तरीके अपनाने पर जोर दिया जाने लगा, तथा नई डिजाइन और नई प्रौद्योगिकी विकसित करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई।
देखा जाए तो इस प्रकार के नगरों में नए डिजाइनों की इमारतें बनाने की मजबूरी तो थी, लेकिन इससे एक बड़ा अवसर भी प्राप्त हुआ। नई इमारतों के माध्यम से समाज को सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए मजबूत और टिकाऊ आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। उसी समय निर्माण सामग्री के तौर पर कंक्रीट के प्रयोग से वास्तुकला में अनेक बड़े विकल्प मिल गए, क्योंकि सख्त होने के साथ ही इसे ढाला भी जा सकता था। इसे विभिन्न आकार और डिजाइन बनाने में बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता था तथा इससे इमारत में मजबूती और टिकाऊपन भी आता है। इसलिए ब्रूटिज्म अपनाने वाले आर्किटेक्चरों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए किफायती, सादगीपूर्ण, मजबूत इमारतों के डिजाइन ज्यादा अपनाए, जो देखने में विशालकाय तो थे पर उनमें सजावटी और अनेक भांति के निर्माण सामग्री का उपयोग कम से कम किया गया था।